सत्तवीं क्लास के मेरे विद्यार्थियों, अज आप अध्याय एक की अभ्यास 1.3 का चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत ही सौखे ढंग करांगे, ध्यान देखने की कोशिश करियो। क्वेश्चन से क्या गया, उचित गुणा की वरतों करते हुए गुणनफल पता करो, फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग प्रॉपर्टीज। बेटा उन्हें जो लिखा ना फाइंड प्रोडक्ट, फिर जिम्मे मर्जी कर सकते थे, उन्हें फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग प्रॉपर्टीज बोल देता है। इस करके थोड़ा ध्यान रखियो कि उचित गुणा की वरतों करते हुए ही आप इस सवाल को हल करना है। मैं तुहानू कोशिश करूंगा हर तरीके नाल दस सकां। सब तो पहला क्वेश्चन ध्यान देखो, साढ़े को 15 गुणा माइनस भी है तो माइनस भी गुणा माइनस 5 है। साढ़े को एक घर अगला है, देखो ध्यान, ये एक घर है आ दूजा घर है, जोड़ दे निशान तो पहला वाला एक घर, जोड़ दे निशान तो बाद वाला दूजा घर। हुण तुसीं एक ध्यान नाल देख के दसो कि दोनों घरां दे विच कीड़ी रकम सांझी है जो कि दोनों घरां विच तुहानू दिस रही है। बस यही दबणी सी आपां, तुसी देखिया तो माइनस दे वी दोने रकमां दे विच सांझा है, असी माइनस वी नू आवाज़ मारी बाहर नू। जदों असी माइनस वी नू आवाज़ मारी घर तो बाहर आ, माइनस वी नू कहा कि बाहर आ, तो हुण सानू उहनू बेचारे नू की पता माइनस वी पहले वाले नू या दूजे वाले नू, दोने घरों बाहर निकल आए, आ घर तो बाहर आ गए, घर बंद दरवाजे तो बाहर निकल आए। इस घर दे विच जे माइनस दा वी बाहर निकल गया तो रह कौन गया इस घर दे विच 15, तो उस घर विच्चों भी जे माइनस का भी बाहर निकल गया तो रह कौन गया माइनस ते 5। ये दसो गल समझ लगी कि नहीं लगी, जिहड़ी रकम दोने घर दे विच सांझी सी आपां उस रकम नू बाहर कढ के घर दे विच उस रकम नू तो बाहर कढ लिया, हुण उस तों इलावा जो रकम बची वह लिखी है, बस 15 दी थां 15 लिख लिया, माइनस 5 तां माइनस 5 लिख लिया। हुण 15 दे विच्चों पहलां 5 घटाने पैणे आ बेटा जी, तो बाहर माइनस भी दा वेट कर रहा सीगा ते अंदर 15 चों 5 कट के बन गए 10। हुण वी बाहर कोई मिलिया नहीं उन्हों, तो वी वापस घर के अंदर आने लगा तो अंदर कौन पिया, अंदर तो 10 है ना, तो वी 10 नाल की होगा गुणा, और तुम सारे पता है कि 10 नाल गुणा करना कितना सौखा होता, बस 0 लगानी होती है, तो की बन गया 200 तुहाडा आंसर आ गया। बेटा आ गया समझ चंगी तरह, माइनस 200 कितना आ, पहले माइनस वी नू बाहर कढ़िया 15, माइनस 5 हो गए 10, वी नू 10 नाल गुणा की 200, बाहर माइनस का साइन लगा हुआ सीगा। दूजे सवाल कर सकते हैं, दूजे सवाल दे विच किया गया 15 गुणा 8 नाल ही गुणा जमा नहीं है गुणा आ, इहदा मतलब तिन्ने अखर नू गुणा करनी है, जो तीन अखर गुणा दे विच होवे ना तो उचित गुण की कहिंदा है। वैसे तो तुसीं कुछ नहीं करना, 15 नू 8 नाल गुणा करके जो आंसर आया उहनू 50 गुणा कर सकते हो, पर उचित गुण कहिंदा है इन्हां तिन्नां दे विचों पहलां वह दो अखर लभो जिन्हां नू गुणा करके वध तो वध 0 मिलन। यह कहिंदी है गुण प्रॉपर्टी, कहिंदी है कि वह अखर लभो जिन्हां नू गुणा करके वध तो वध 0 आ जाण। हूँ देखो जे मैं 15 नू 8 नाल गुणा करूँगा तो एको 0 मिलेगा, तो एक करके देख लो 15 8 हुंदा आ 80 ते 40 120 एक 0 मिलिया। जे 15 नू 50 नाल गुणा करूँगा तो भी एको 0 मिलना है, लेकिन जे मैं 8 नू 50 नाल गुणा करूँगा तो 8 5 40 400 दो 0 मिलनगियां। इहदा मतलब सब तो पहला असी की करांगे 15 गुणा 8 गुणा 50, असी 8 नू 50 नाल गुणा करांगे पहला, तो आएगा 15 गुणा 8 50 40 नाल की लग गया एक 0। देखो वर्बली हो गया ना, गुणा करनी भी नहीं पई सानू, 8 5 40 नाल दा 0 लग गया। हुण 15 नू 400 नाल गुणा करनी है, गुणा करन दी लोड़ नहीं बेटा, 15 नू 4 नाल गुणा करो, 15 चौका 60 नाल दे दो 0 नाल लाते, ते किन्ना सौखे तरीके नाल सी गुणा कीती, किते आपां 15 नू पहला 8 नाल गुणा करदे फिर जो आंसर आंदा उहनू 50 नाल गुणा करदे, इत्थे असीं गुणा भी नहीं कीती, बस छोटे जिहे पहारे तुहानू आंदे सीगे 8 नू जदों भी 0 लगा होवे ना 8 5 40 नाल 0 लाता, 15 चौके 60 नाल 2 0 लाते, आंसर भी आ गया। तो इस करके वो कहता है कि प्रॉपर्टी लगाओ ताकि सौखी तरीके नाल आंसर निकल सके। आई गल समझ, किस तरीके नाल मैं किया, पहला 8 नू 50 नाल गुणा किया 400, फिर 15 नू इहदे नाल गुणा किया, दूजा भाग भी साडा कंप्लीट हो गया। हुण तीजा भाग देखो, तीजे भाग दे विच कह रहे 8 गुणा 40 माइनस 5। बेटा हुण 8 घर दे बाहर खड़ा तो घर का दरवाजा बंद है, हुण जे 8 घर दे अंदर जाएगा तो पहला जाके मिलेगा 40 नू, 8 गुणा 40 ठीक है ना, उस तो बाद निशान कड़ा आ माइनस का, फिर 8 जाके मिलेगा 5 नू, 8 गुणा 5। इस गल का ध्यान रखो, ये है उचित गुण, 8 जाएगा कि पहले 40, 8 जाएगा 40 के कोल 40 के कोल, माइनस क्योंकि इतने माइनस है तो माइनस लगना, प्लस है तो प्लस लगना, फिर 8 जाएगा 5 के पास। पहले 8 नू 40 नाल गुणा करिए, गुणा नहीं करनी बेटा, 8 चौका 32 याद ना 8 का पाड़ा,
अट्ठू चौका 32 नाल की ला देना 0 अट्ठू पंजा 40 सौखा ना। देखो कोई गुणा नहीं करनी पै रही अपन साइड से जी अठ का पड़ा आता था हूँ 320 40 घटाने पैने बेटा घटाओ तो करके दिखाई सकते हो तुम 320 40 घटाओ कितनी 0 2 ने इतों हासिल लिया 12 चो 4 गए 8 बकाया रह गया सी 2 है ना तो कितना आंसर आ गया 280 वड्डी रकम का साइन प्लस का है तो आंसर आ गया प्लस का 280 बहुत ही सौखा ढंग तुम देखो कई बच्चे की करते 40 के 5 घटा के 35 आता फिर 35 8 ना गुणा करके दिखानी पैंती ना अपन तो उचित गुण कहता है कि तुम 8 भेजो 40 वखरा कर दौ माइनस फिर 8 जाके 5 वखरा कर दौ तो 8 चौका 32 नाल दा 0 नाल लग गया 8 पंजा 40 घटाया तो आंसर आ गया। हूँ अगला चौथा भाग देखो चौथे भाग के देखो फिर प्लस आ गया तो देखो विचकार प्लस तो पहला एक घर प्लस तो बाद का दूजा घर हूँ इन दोनों घर देखो कोई रकम सांझी है जी दोनों घर पई है हाँ जी 510 इधर भी है 510 इधर भी है माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है तो मैं माइनस नी आवाज मार ली तो 510 भी आवाज मार ली दरवाजे तो बहर आ गए। हूँ पहले घर च कौन बचा देखो 510 भी बहर आ चुका है माइनस भी बाहर आ चुका है बचा सिर्फ और सिर्फ 45 आई गल समझ। दूजे घर में कौन बचा माइनस भी बहर आ चुका है 510 भी बहर आ चुका है बचा आ वाला प्लस ते आ 55 आई समझ। हूँ पहला ब्रैकेट सॉल्व होंगी है तो माइनस के 510 का 12 जो उड़ीक रहे पहले इन्होंने जोड़ लें 45 के 55 जोड़िए तो बनता है साढ़े को 100। हूँ तो मैं तुम दस ही चुका 100 नाल गुणा करनी तो बहुत ही सौखी है माइनस 510 दे नाल की ला दोगे 2 जीरवा तो देखो किन्ना ही सौखे तरीके से सवाल हल कर लिया कितने तुम पहले इन ये गुणा कर दे इनू गुणा कर दे तो समझ लग गई कि उचित गुण की होंगे है उचित गुणा का मतलब होंगे प्रॉपर्टीज़ का मतलब होंगे किसी सवाल को बहुत ही सौखे ढंग सवाल हल करना तो जेकर तुम्हें प्रॉपर्टी याद है पता है तो तुम सवाल को छेती हल कर लोगे नहीं तो तुम लंबे मैथड नाल करोगे तो टाइम भी वेस्ट होएगा तो सवाल का आंसर भी गलत आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता कि तुम्हें प्रॉपर्टीज़ वधिया तरीके समझ आई होनगियां किस तरह मैं दोनों के सांझी रकम को बाहर कढ़ते हुए सवाल को हल किया किस तरह मैं दो रकम सोचियां जिन्होंने गुणा करके वध जीरोज़ मिल रहे हैं तो फिर गुणा की किस तरह मैं 8 नूं पहलां 40 नाल मिलाया फिर माइनस का निशान 8 नूं 5 नाल मिलाया तो सवाल को हल किया तो किस तरह मैं इस तों सांझी रकम को बाहर बुला के सवाल को हल किया आ चौथा सवाल साडा बिल्कुल इंपोर्टेंट सवाल है तो इन चंगी तरह प्रैक्टिस करन दी लोड़ है बेटा। हुण पंजवां सवाल करदे आं पंजवां क्वेश्चन देखो बेटा कहिंदे कि जमात दे टेस्ट विच जिस विच कुल 15 प्रश्न हन 2 अंक सही उत्तर लई ते माइनस 1 अंक हरेक गलत उत्तर लई अते 0 नंबर जो प्रश्न नहीं कीता है लई दित्ते जांदे हन। सुन लो ध्यान नाल जी सही आंसर किया है मैं तुहानूं सिंपल तरीके नाल समझा रहा बेटा देखो तुहाडे कोल किसी भी क्वेश्चन नूं पेपर नूं करन दे 3 ऑप्शन हुंदे ने बेटा या तो तुसी उस दे सवाल नूं सही किया होएगा है ना जां तुसी उसनूं गलत किया होएगा जां नहीं किया तीन ही ऑप्शन है ना तुहाडे कोल ठीक है सही गलत सही लई तुहानूं किन्ने अंक मिल रहे हैं 2 अंक गुणा 2 गलत लई तुहाडे 1 अंक कट रहा है तो उन्हूं माइनस 1 नाल गुणा करना होएगा तो इनू 0 नाल गुणा करना होएगा लगी गल समझ। सही लई तुहानूं 2 अंक दिते जा रहे हैं तो जो जिन्हें भी क्वेश्चन सही किए उन्हें 2 नाल गुणा कर दिओ गलत लई तुहाडा 1 अंक एक माइनस 1 है तो उन्होंने माइनस 1 नाल गुणा करना है तो जिहड़े क्वेश्चन नहीं किए उहदे नाल 0 नाल गुणा करनी है लगी गल समझ। हुण देखो कृतिक इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स अवार्डिड फॉर एवरी करैक्ट आंसर सही का मतलब होंगे करैक्ट तो जिन्हें भी करैक्ट आंसर किए ने उन्हों 2 ना गुणा करनी है जिन्हें भी इनकरैक्ट किए ने उन्होंने माइनस 1 ना गुणा करनी है तो जिन्हें भी कोई किया ही नहीं अटैम्प्ट ही नहीं किया तो उन्होंने 0 ना गुणा करनी है तो कृतिका ने की किया 5 सही किए ने इन मतलब इन 5 ना गुणा करोंगे 10 गलत किए यहाँ मतलब 10 ना गुणा करोंगे तो क्वेश्चन पूरे हो गए 15 यदा मतलब सारे क्वेश्चन कितने छड़ दो 5 दुनी 10 10 को माइनस 1 ना गुणा किया 10 एकम 10 लेकिन साइन माइनस का लगेगा 10 अंक उन्होंने प्लस दे मिले 10 अंक उन्होंने माइनस दे मिले तो प्लस माइनस माइनस आंसर कितने 0 मार्क्स मिले उन्होंने मतलब कोई भी अंक नहीं मिले। हूँ क्वेश्चन समझ आ गया तो उन्होंने करना की है सी ये तो मैं तुम्हें समझाया बेटा चंगे तरीके ना कि समझाया किदा है मतलब क्वेश्चन जो किसी को दसना है तो किदा दसना है हूँ लिखना किदा है वो देखो देखो बेटा मैं की लिखा
कृतिका दे सही उत्तर ले अंक, सही उत्तर ले अंक कितने सके, पांच गुणा दो दस, दस अंक। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कृतिकाज मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, लिखना ही है 5 × 2 = 10 marks। कृतिका दे गलत उत्तर ले अंक कितने आए, 10 × -1 मतलब माइनस दे 10। कृतिकाज मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, कुल अंक टोटल मार्क्स कितना पता कितना, सही ले प्लस दे 10 मिले सके, गलत ले माइनस दे 10 मिले सके, 10 प्लस दे 10 माइनस दे कट्टे गए 0 अंक मिले, आंसर आ गया। तो देखो ये छोटे जे मैथड नाल तुहानू सारा कुछ दस्या गया कि तुसी लिखना की है, सिंपल लिखे कृतिका दे सही अंक, सही उत्तर दे अंक इन्ने, गलत दे इन्ने, टोटल कितना पता कितना, इन्हों जोड़ के 0 आंसर आ गया। तो पहला भाग साडा खत्म हो गया, हुण दूजा भाग करांगे, ध्यान नाल देखियो। देखो फिर तुहानू समझाउण लगा आ, रोहन आ गया, हुण कौन गल कर रहा, रोहन की गल हो रही है, 7 सही किते तो 7 सही वाले नू 2 नाल गुणा करनी है, गलत वाले नू -1 नाल गुणा करनी है, तो जे नहीं किया तो 0 नाल गुणा करनी है। ये गल तुहानू चंगी तरह पहले सवाल दे विच दसी जा चुकी है। हुण रोहन ने 7 सही किते तो 7 नाल गुणा करांगे इहनू, 7 ही गलत करते 7 नाल गुणा करांगे इहनू, तो 14 प्रश्न ही किते आ रोहन ने, टोटल 14 किते जबकि है किन्ने 15, इहदा मतलब एक क्वेश्चन उहने नहीं किया, उहनू 1 नू 0 नाल गुणा करांगे। 7 × 2 = 14 मिल गया प्लस दा, 7 × 1 = 7 माइनस दे 7 मिले, तो यह तो 0 ही बन गया, इन छड़ दो, 14 + प्लस दे 7 माइनस दे प्लस माइनस माइनस, तो किन्ने अंक प्राप्त होए, 7 अंक प्राप्त होए। ये देखो छोटे जे तरीके क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, लेकिन हुण आपां ये तो किया वर्बली सॉल्व है ना, जेकर तुसी कॉम्पीटिटिव लैवल दे विच ए बी सी डी ऑप्शन दे टिक करना हुंदा है। लेकिन हुण आपां क्वेश्चन लिख के देखिए किदां लिखना है। देखो बड़ा लिख लिया कि रोहन दे सही उत्तर लई अंक किन्ने सी, 7 × 2 = 14, रोहन दे गलत उत्तर लई अंक किन्ने सीगे, 7 × -1 - 7, ते जिहड़े सवाल उहने नहीं कीते सी उहदे लई अंक आए सीगे 0, ते उह मैं लिख के नहीं दिखाया। कुल अंक दे विच देखो 14 प्लस दे सीगे, 7 माइनस दे सीगे, ते 1 0 सीगा, जब 14 प्लस दे ते 7 माइनस दे हुंदे आ, प्लस माइनस माइनस हुंदी है, ते वड्डी रकम दा साइन लगदा है, इहदा मतलब रोहन दे अंक किन्ने आए, 7 अंक रोहन नूं मिले। इस तरह साडा पंजवां क्वेश्चन जिहड़ा है कंप्लीट हो गया है। हुण छेवां क्वेश्चन देखांगे आपां, ध्यान नाल देखियो। छेवां क्वेश्चन साडे कोल आ गया बहुविकल्पी बेटा, बहुविकल्पी क्वेश्चन की हुंदे ने कि उहनां दे 4 ऑप्शन दित्ते हुंदे ने ए बी सी डी, ते उहदे विचों कोई एक टिक करना हुंदा है। ध्यान देखो 19 दे कोल साइन है माइनस दा, ध्यान नाल देखणा सारा ने, 13 दे कोल वी साइन है माइनस दा, दोवें माइनस दे ने ते फिर प्लस होणगे, ते मैं 19 दे विच 13 जोड़ दिंदा आ, 9 × 3 = 12, 2 × 1 = 2, 3, ते वड्डी रकम, ये भी माइनस दा, ये भी माइनस दा, माइनस माइनस प्लस होंगे लेकिन साइन वड्डी रकम का लगता है, इहदा मतलब आंसर आएगा -32, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। दूजा देखो मैं तुहानू दस्या सीगा गुणा दे सवाल दे विच जे कदे 0 नाल गुणा हो रही होवे तो सारे आंसर 0 बन जाता है, उहदे विच गुणा करन दी लोड़ नहीं होंगी। इदा ही भाग दे विच जे पहली रकम 0 आ जाए, दूजी रकम 0 नहीं होंगी भाग दे विच, हमेशा स्टार्ट तो 0 होंदा है, तो 0 नाल जे भाग कीती जाए तो आंसर हमेशा 0 आता है, इस करके ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चौथे भाग दे विच देखो तुहाडे कोल सांझा अखर आ गया, देखो समझाई ना, हुण माइनस दे 33 मैं घरों बाहर आवाज़ मार ली, इस घर दे विच रह गया 102, इस घर दे विच रह गया माइनस दे 2, हुण एक माइनस दे 33 ब्रैकेट 102 च 2 गए 0 100, आंसर आ गया -3300। तुहानू मैं पहले ही उचित गुण की वरतों करते हुए समझा चुका हाँ कि साडा बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। पंजवां भाग देखो, इस घर दे विच 101 नू इन्ना गुणा कीती 101 ही आ गया, पर साइन माइनस दा लगा, 0 नाल किसी नू भी गुणा करो 0 आंदा, तो आंसर आ गया -101, ए ऑप्शन तुहाडा सही आंसर होएगा। इस तरह बेटा साडी जिहड़ी अभ्यास 1.3 कंप्लीट हो गई है, उम्मीद करांगा कि तुहानू वधिया तरीके नाल समझ आया होएगा, ते तुसी सारयां ने मेरे चैनल नू सबसक्राइब करके बैल आइकन नू भी नप लिया होएगा, ताकि तुहानू मेरी अगली वीडियोज़ तुहाडे फोन ते शो हो सके।